आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि आखिर वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि आखिर विद्युतकी क्या होता है, विद्युतकी। चलिए विद्युतकी के बारे में जानते हैं। विद्युतकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो आवेशों का अध्ययन करते हैं। चलिए इसको हम लिख देते हैं इस पर कि विद्युतकी क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेशों का अध्ययन करते हैं। चलिए इसको हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का क्या करते हैं, अध्ययन यानी कि उसके बारे में जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। चलिए ये हो गया विद्युत की। अब आते हैं, इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक गतिक विद्युत की और एक स्थिर विद्युत की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गतिक विद्युत की क्या होता है। चलिए गतिक विद्युत की के बारे में जानते हैं। पहला है गतिक विद्युत की। तो ये क्या हो जाएगा कि विद्युतकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों के गति अवस्था का अध्ययन करते हैं। किस अवस्था का? तो गति अवस्था का। ठीक है, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों के गति अवस्था का। आवेश क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए इसको लिख देते हैं कि गतिक विद्युतकी क्या है। तो विद्युतकी की वह शाखा, विद्युतकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों के गति अवस्था का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चलिए गतिक विद्युत की क्या हुआ कि विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों के गति अवस्था का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा है स्थिर विद्युत की। ये क्या होता है? स्थिर विद्युत की क्या होता है? देखिए इसमें हम किसका अध्ययन कर रहे थे, गति अवस्था का। स्थिर का मतलब होता है विराम, यानी कि हम लोग इसमें किसका अध्ययन करेंगे, आवेश के विराम अवस्था यानी कि गतिहीन अवस्था, यानी जो आवेश गति में नहीं होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। चलिए तो इसको भी लिख देते हैं हम, विद्युतकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों के विराम अवस्था, विराम यानी कि गतिहीन, यानी जो आवेश गति में नहीं होते हैं उसके बारे में हम स्थिर विद्युत की में पढ़ते हैं कि विराम यानी गतिहीन अवस्था का अध्ययन करते हैं। चलिए
तो गतिक विद्युतकी में हम क्या कर रहे थे कि गति अवस्था का अध्ययन करते हैं और स्थिर विद्युतकी में विराम यानी कि गतिहीन अवस्था का अध्ययन करते हैं, आवेशों के गतिहीन और इसमें आवेशों के गति अवस्था का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए हट जाए। चलिए अब हम लोग जानते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। आखिर वैद्युत आवेश क्या होता है? तो देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है कि जब दो वस्तुओं के बीच क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण यानी टकराव होगा, तो क्या होगा कि उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा, उसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कि जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण होगा तो उनमें क्या होगा कि एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। चलिए हम इसको लिख देते हैं इस पर। तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, घर्षण होता है, तो घर्षण होता है तो उनमें क्या हो जाता है, उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं या फिर सिंपल आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्या होता है? जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है, तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। आखिर ये गुण क्या होता है? तो गुण होता है वही धनावेश और ऋण आवेश का गुण, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर धन आवेश हो जाएगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस पर ऋण आवेश हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बस आप लोग अभी ये जान लीजिए कि जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण होगा तो क्या होगा कि उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा, जिसे उसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। अब वैद्युत आवेश को सूचित किया जाता है क्यू से। कहीं कहीं पे स्मॉल क्यू भी रहता है, कहीं कहीं पे कैपिटल क्यू भी रहता है, तो हम दोनों को लिख देते हैं। लिखेंगे इसे क्यू से, क्यू ये भी छोटा वाला या फिर ये वाला भी, बड़ा वाला भी, दोनों में से किसी से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित यानी कि दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक भी होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम होता है। कूलॉम को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम होता है। अब आते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, हम मिटा देते हैं इसे। चलिए अब जानते हैं कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या होता है? तो देखिए सजातीय आवेश क्या होता है कि इसमें सजातीय यानी कि समान जाति, समान जाति कहने का मतलब सेम चार्ज होगा, दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा, तो उसमें क्या होगा कि प्रतिकर्षण होगा।
जब दो समान चार्ज होते हैं तो क्या होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है। कैसे होता है हम एग्जाम्पल देकर बताते हैं अभी। तो इसको लिखते हैं कि सजातीय आवेश क्या होता है, जब दो समान आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। होता है। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण के लिए हम एक लेते हैं कांच का छड़ और दूसरा लेते हैं रेशम का कपड़ा। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा कि आवेश उत्पन्न होगा। कांच के छड़ पर धन आवेश और क्या इस पर है रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। और दूसर का फिर वही एक फिर एक बार लेंगे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा तो फिर उस पर भी कांच के छड़ पर धन आवेश और रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश। जब दोनों को क्या करेंगे पास पास, दोनों कांच के छड़ को पास लाएंगे धागे से टांग कर पास लाएंगे तो क्या होगा कि दूर दूर हटेगा यानी कि प्रतिकर्षित करेगा दोनों कांच के छड़। चलिए देखिए बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कांच की छड़ है कांच की छड़ और ये ले लेते हैं मान लेते हैं कि ये रेशम का कपड़ा है। जब दोनों के बीच क्या होगा घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा प्लस चार्ज आएगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक। अब इसको क्या करेंगे एक धागे की मदद से लटका देंगे कांच की छड़ को। धागे की मदद से लटका दिए इस पर कौन सा आवेश है प्लस आवेश है। और फिर एक बार क्या करेंगे एक और कांच का छड़ लेंगे और उसी तरह क्या करेंगे एक और रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे और उसको भी क्या करेंगे धागे की मदद से लटका देंगे। चलिए इस पर भी प्लस चार्ज ही होगा। जब दोनों को पास लाएंगे क्या करेंगे दोनों को पास लाएंगे तो दोनों के बीच क्या होगा प्रतिकर्षण होगा क्योंकि इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है तो इसलिए दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दोनों के बीच क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। इसमें क्या होता या फिर प्लस रहे या फिर दोनों माइनस रहे तो भी क्या होगा प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है इसमें इधर लिख लीजिएगा दोनों प्लस रहे या फिर दोनों माइनस रहे यानी दोनों चार्ज प्लस रहे या फिर दोनों माइनस रहे। आप लोग समझ गए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम आगे चलते हैं। फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा आते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश विजातीय आवेश में क्या होता है देखिए बीजातीय कहने का मतलब अलग अलग जाति। अलग अलग जाति कहने का मतलब कि अलग अलग चार्ज यानी कि इसमें क्या होगा कि जब दो असमान यानी कि अलग अलग आवेश होते हैं तो क्या होता है उनमें आकर्षण होता है। आकर्षण यानी कि अपनी ओर खींच लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं और एक रेशम का एक बिल्ली की खाल लेते हैं। मान लिए ये बिल्ली की खाल है और ये क्या है एबोनाइट की छाल। जब दोनों के बीच क्या होगा घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो क्या होगा कि हाँ तो एबोनाइट की छड़ को हम क्या कर रहे हैं कि बिल्ली की खाल से रग रहे तो क्या आया इस पर ऋण आवेश आया। चलिए तो इसको हम धागे की मदद से लटका दिए। और एक कांच की छड़ को जब बिल्ली के खाल से या फिर रेशम के कपड़ा से रंगने की तो उस पर कौन सा आवेश आता है तो धन आवेश आता है तो उसको भी क्या करेंगे हम इधर इसके पास लाकर लटका देते हैं।
ये एबोनाइट के क्षार है, एबोनाइट के क्षार है, और इधर लेते हैं कांच का क्षार लेते हैं। कांच का क्षार पर कौन सा आवेश होगा? तो धन आवेश होगा कांच के क्षार। जब दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा? देखिए दोनों पर कौन, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है, और जब दोनों को पास लाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। तो दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, यानी कि इसमें एगो प्लस है एगो माइनस चार्ज, चाहे माइनस प्लस आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीन शॉट। हाँ, तो हमने देखा कि जब कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास ला रहे तो क्या हो रहा था कि आकर्षित हो रहा था। ये हमेशा के लिए थोड़ी ना आकर्षित होगा, कुछ समय के लिए आकर्षित होगा। तो इससे क्या, एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और आवेश को दो भागों में बांट दिया, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। क्यों बांटे? क्योंकि जब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को पास ला रहे तो क्या हो रहा था? आकर्षण हो रहा था। हमेशा के लिए नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा, यानी कि ये दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, यानी माइनस प्लस मिलकर फिर कुछ समय के लिए आकर्षित होगा, फिर उसी तरह उदासीन बन जाएंगे दोनों आवेश। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने आवेश को दो भागों में बांटे, एक थे धना, एक नाम दिया, आवेशों का नामकरण किया, धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। चलिए हम लिखते हैं आगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को धन आवेश तथा ऋण आवेश कहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश को क्या कहा? धन आवेश और ऋण आवेश, यानी आवेशों का नाम दिया, ऋण आवेश कहा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। चलिए पहला जान लेते हैं कि धन आवेश क्या होता है। चलिए धन आवेश क्या होता है? जब क्या होता है? जब तो दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है, और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूसरे माने मान लीजिए कि एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ ये है बी, तो इसके बीच क्या हुआ? घर्षण हुआ। जब दोनों पदार्थों के बीच घर्षण हुआ, अब मान लेते हैं कि सबसे पहले तो दोनों क्या होंगे? उदासीन होंगे। और जब घर्षण होगा तो मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर से इलेक्ट्रॉन कुछ चले गए वस्तु बी पर, वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन कुछ वस्तु बी पर चले गए, तो क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु यानी परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होते हैं, और इससे कुछ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, और ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है यानी ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब जब वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन वस्तु बी पर गए तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यानी कि इस, और इसमें वस्तु बी पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी कि जिसका ज्यादा संख्या होगा उसी का ना चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या इस पर ज्यादा आया, यानी कि इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। और इस यानी कि और जिस पर कम गया उस पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। और इस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। इसके बारे में भी बताएंगे, ऋण आवेश इसी में है कि ऋण आवेश यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम धन आवेश कहते हैं, सॉरी ऋण आवेश कहते हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे हम धन आवेश कहते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, धन आवेश किसे कहेंगे? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो दान करता है, दान यानी कि देता है, दान करता है, उसे हम क्या कहेंगे? धन आवेश कहेंगे। धन यानी कि देने वाला, प्लस चार्ज, धन आवेश कहते हैं। ठीक, धन आवेश आप लोग समझ गए। ऋण आवेश इसका उल्टा, इसमें क्या कर रहा है कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो ऋण आवेश में क्या होगा कि ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यानी ये जैसे एग्जांपल से हम समझाए कि वस्तु ए है और वस्तु बी है, दोनों के बीच घर्षण हुआ, तो हम मान लिए कि इलेक्ट्रॉन ए से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस पर कम गए, यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम गया, और इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कम गया,
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है माइनस, इसलिए इस पर क्या आएगा ऋण आवेश आ गया, और ए पर कौन सा आवेश आ गया माने इस पर इलेक्ट्रॉन कम गया तो कौन सा आवेश आ गया धन आवेश। तो चलिए दूसरा भी लिख देते हैं, ऋण आवेश क्या होता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश क्या होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन इसमें दान कर रहा है तो इसमें क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ इसमें समझ आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।